देहरादून के अग्निशमन अधीक्षक सुरेंद्र चंद्र कवि ने देहरादून की जनता को एक स्पेशल मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि दीपावली का सीजन आ रहा है और आने वाले टाइम में लोग पटाखे ज़्यादा खरीद रहे हैं, साथ ही ऐसे में अग्निकांड जैसी समस्या भी हो सकती है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अभी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्षों की तरह 7 स्थानों पर हमारे मोटर इंजन लगाए जाएंगे। रही स्टाफ की बात, स्टाफ हमारे पास इस समय पूरा है। दीपावली पर्व को देखते हुए हम लोग जो है पूरे स्टाफ का अवकाश बंद कर देते हैं। किसी विषम परिस्थिति में ही किसी को अवकाश दिया जाता है। और वर्तमान में हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां थी उसमें 5 से 6 गाड़ियां हमारी कंडम हो गई हैं। अभी उनकी जगह नए वाहन हमारे पास नहीं आए हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। ये दीपावली अग्निशमन विभाग के लिए एक चैलेंज है और हमारा विभाग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 24/7 तैयार है। जैसे कि अभी पटाखे हमारे यहाँ आतिशबाजी, दीपावली पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ खतरा आतिशबाजी का है, तो मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ, या जहाँ तक आपका चैनल काम कर रहा है मैं वहाँ तक की जनता से ये अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को अकेले में पटाखे न छोड़ने दें, आतिशबाजी न करने दें, जिससे किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना हो जाए। और दूसरी बात, अकेले में बच्चों को कभी अकेले आतिशबाजी करने के लिए ना छोड़ें, उसमें जो है जन और धन दोनों की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ये मैं अपनी तरफ से एक संदेश देता हूँ सभी लोगों को कि इस दीपावली पर्व को अच्छा बनाने के लिए अपने बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें। छत व इस प्रकार का सामान ना रखें जो ज्वलनशील हो, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई कार्टून या कोई पॉलीथीन बैग या एंड जो दूसरी चीज़ें हैं हम छतों पर डाल देते हैं, और रात को जब किसी समय आतिशबाजी होती है तो हमको पता नहीं चल पाता और उसके कारण जो अग्नि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रही दुकानों की बात, दुकानों में मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइट नहीं जलानी है, लाइट अगर जल रही है, क्योंकि एक पर्व मनाया जा रहा है, लाइट का भी ये हमारा एक पर्व है दीपावली, तो जहाँ हमारी लाइट लगी हुई है उसके नीचे किसी प्रकार का स्टॉक न करें, क्योंकि ज़्यादा देर लाइट जलने के बाद आपका स्पार्क भी हो सकता है, ओवरहीट भी हो सकती है और आग लगने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इन्हीं कारणों से जो है हमारे यहाँ अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरी बात है, हम लोग सो जाते हैं, हम अपने खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, बाहर जो दूसरे लोग आतिशबाजी कर रहे हैं अचानक आतिशबाजी आ जाती है, उससे भी आग लगने के ज़्यादा कारण बनते हैं हमारे पास, जैसा देखने के लिए देखने में आया है। लास्ट ईयर भी 1 बजे के बाद, 1 बजे तक कोई किसी तरह की अग्नि दुर्घटना नहीं थी, और 1 बजे के बाद एकदम 17-18 कॉल हमारे पास आए, जिसमें 2 मेजर फायर भी थी, जिनको सुबह 8 से 9 बजे तक उस आग पर काबू पाया गया। तकनीक तो हमारे पास मोटर फायर इंजन वही हैं, कुछ हमारे नए नए तरीके के इक्विपमेंट आ रहे हैं। हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर किसी वजह से उसको कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो हमारी छोटी गाड़ियां उधर प्रेशर नहीं दे सकती हैं, तो और ऊपर जाने के लिए हम रेस्क्यू वर्क करने के लिए जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए हमारे पास ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नाम का एक लैडर है जो 30 मीटर हाइट तक आसानी से काम कर लेता है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आपने ये मेरे से क्वेश्चन किया है। मैं आपके साथ साथ मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि जो हमारा टोल फ्री नंबर 112 है, फायर ब्रिगेड का लैंडलाइन नंबर 0135-27-16-242 है, किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होने पर डिपार्टमेंट को समय से आप सूचित करें, आग बुझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आग बुझाने का प्रयास करते रहेंगे और आपसे आग नहीं बुझ पाएगी तो क्या होगा, आग बढ़ जाएगी और उसके बाद आप मैसेज देंगे फायर डिपार्टमेंट को तो गाड़ी को जाने में भी टाइम लगेगा, उस समय तक आग बहुत बड़ा या बड़ी हो जाती है या विकराल रूप ले लेती है। तो किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होने पर इन टोल फ्री नंबर पर पहले सूचित करें और आग बुझाने का प्रयास भी करते रहें। अगर आप आग बुझा लेते हैं तो दोबारा कॉल कर दीजिए कि आग हमारे यहाँ बुझ चुकी है, तो हमारा फायर टेंडर वापिस आ जाएगा। आप ऐसा नहीं करें कि मतलब पहले आग बुझाने का प्रयास ही करते रहें और अग्निशमन विभाग को आप सूचित न करें।